আপনারা দেখছেন খবরের দুনিয়া। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सांची डालमिया जी से। हम जानते हैं कि हमारे राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बाद सिलीगुड़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। यहाँ की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, साथ साथ यहाँ की और एक बड़ी समस्या सामने आया है, वो है कि गार्बेज डिस्पोजल। तो इनको लेकर के ये सोच रही हैं, हमारे न्यू जनरेशन से काफ़ी लोगों को लेकर के ये काम कर रही हैं। क्या है वो काम, क्या है गार्बेज डिस्पोजल के लिए वो कदम उठा रही हैं, बात कर रहे हैं उनसे। सांची जी, आप हमें संक्षेप में बताइए, ये सिलीगुड़ी में आप लोग जो काम एक स्टार्ट किया है, इनिशिएट किया है, वो क्या है ख़ास तौर पर, हमें संक्षेप में बताइए। मैंने और मेरे पार्टनर अदिति आर्या ने, हम दोनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है सिली वेस्ट। तो हम कोशिश कर रहे हैं जिससे हम अवेयरनेस कर सकें सोसाइटीज़ में, अपार्टमेंट्स में और लोगों के पर्सनल हाउस होल्ड पर, जहाँ उन लोगों को सिखाया जा सके कि कैसे ये अपने अब लोग घर के किचन वगैरह से उन लोग अपना कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और उसको उन लोग अपने घर में गार्डनिंग वगैरह पे उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो इससे वी आर रिड्यूसिंग द लैंडफिल। जितना भी हमारे डंप ग्राउंड पे जा रहा है वो अल्टीमेटली कार्बन प्रिंट बढ़ रहा है, मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है, जो हमारे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन दे रहा है हमारे एनवायरमेंट। सो वी आर ट्राइंग टू टेक द अटेम्प्ट कि वी कैन टीच पीपल हाउ टू डू दिस, ब्रिंग दैट अवेयरनेस बिटवीन देम सो दैट उन लोग को समझ आए कि हम लोग ये क्या गलत कर रहे हैं और उन लोग अपने किचन वेस्ट से उन लोग कुछ ऑर्गेनिक बनाना शुरू करें। ऑर्गेनिक सब्जियाँ बन रही है, ऑर्गेनिक खाद बना रहे हैं घर पे, जो भी बना के अपने थोड़ा बहुत भी अगर वो एक टाइम भी कुक पर, दैट विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर देम कि हमने आज केमिकल नहीं कंज्यूम किया। सो जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग दैट अवेयरनेस। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ टेम्पल से, काउडांग एंड कुछ छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह से हमने शुरू किया होगा, जहाँ से हम उठाते हैं किचन वेस्ट, जिनके पास जगह नहीं है ये मैनेज करने की, उनको स्पेस की प्रॉब्लम है, वहाँ से हम उठा के वी टेक इट टू आर लैंड इन जोटिया काली एंड वहाँ वी कन्वर्ट इन टू कम्पोस्ट एंड सेल इट इन द मार्केट। सो अगर कोई वैसा है जिनको बहुत मन है कि ये करें अपने बिग अच्छे स्केल में उनके प्रोडक्शन हो रहा है इसका, तो वी कैन ऑल्सो पिकअप वेस्ट एंड वी कैन स्टार्ट मेकिंग कम्पोस्ट एंड प्रोवाइड देम इफ दे नीड सो, और वी कैन ऑल्सो सेल देम इन द मार्केट। कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं सिलीगुड़ी? मुझे एक साल हो गया ये करते हैं। तो कैसा है आपका, मैंने डेली क्वान्टिटीज़ आपका कितना रिक्वायरमेंट है और कितना आपको मिल रहा है? मेरा डेली क्वांटिटी, एक्चुअली मेरा मेन पर्पस इज अवेयरनेस। दिस इज़ अ थिंग कि मैंने शुरू किया क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करते हैं तब तक हमें उसके प्रोज और कौन समझ नहीं आता, इसलिए मैंने कुछ प्रैक्टिकल लेवल पे शुरू किया। वेर आई एम प्रोड्यूसिंग मिनिमम ऑफ अप्रॉक्स 800-2000 केजीज मंथली। मैंने उसको बहुत बड़े स्केल में नहीं किया, अभी ये बहुत छोटे स्केल में किया हुआ, बिकॉज मोर ओवर आई एम इंटरेस्टेड कि अगर वो एट सोर्स किया जाए, जहाँ जनरेट हो रहा है अगर वो वहीं कन्वर्ट कर दिया जाए वो बेटर है। आज मैं अगर उठाना शुरू कर रही हूँ तो वो फीजिबल नहीं है कि मैं कहाँ कहाँ से उठाऊँगी। खाना तो हर जगह बनता है, हर इंसान को खाना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है कि मैं सबका उठा के लेके जा सकूँ और उसको कंपोस्ट में रेडी करूँ। इसलिए आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दिस अवेयरनेस बिटवीन पीपल रादर देन पिकिंग अप वेस्ट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू माइसेल्फ। लास्टली जो कुछ सवाल है आपसे, वो लोगों से आपको कैसा कोऑपरेशन मिल रहा है, उनमें अवेयरनेस कितना एक साल में आपने देखा है, कितना उनमें बढ़ी है, बढ़ोतरी हुई है या फिर जहाँ है वहीं? लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है, करने की चाह भी रख रहे हैं लोग, लेकिन सब अमल करना नहीं चाह रहे क्योंकि उनको अभी तक वो अवेयरनेस नहीं आई है। कुछ लोग बहुत इंटरेस्टेड है, कुछ लोगों ने शुरू भी कर दिया है अपने घरों में, कितने लोगों ने टेरिस फार्मिंग वगैरह शुरू कर दी है क्योंकि उन अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनके पास ज़्यादा स्कोप नहीं है। कुछ लोगों इंटरेस्टेड है बट वेट कर रहे हैं कि शायद और चार लोग शुरू करें तो हम भी करें। तो आई बिलीव कि इन मोर नियर बाई ईयर्स टू कम, अप्रॉक्स 2-3 ईयर्स, आई बिलीव काफ़ी लोग विल चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग एंड गेटिंग। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है लोगों को समझाना और लोगों को लाना इस लेवल तक, बट आई एम स्टिल कीपिंग ऑन टू ट्राई माई बेस्ट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।